उत्तर प्रदेश के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की घटना ने इलाके में अराजकता फैला दी। लेकिन क्या हुआ था, उस शख्स को गोली क्यों मारी गई और क्या कर रहा था वो शख्स जो इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल है। प्रतिमा विसर्जन के जुलूस पर जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने हंगामा कर दिया। घटना के दौरान फायरिंग होने की बात भी सामने आई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक को लखनऊ रेफर किया गया। घटना के बाद मौके पर पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया, लेकिन आगजनी और हिंसा की वजह से माहौल और गर्मा गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी है। ये घटना तब हुई जब दो समुदायों के बीच आपसी कहासुनी के बाद तनाव बढ़ गया। चश्मदीदों के मुताबिक रविवार शाम को मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे पर बज रहे गाने को लेकर विवाद हुआ था। दूसरे समुदाय के युवकों ने गाने का विरोध करते हुए गाली गलौच शुरू कर दी और छत से पत्थरबाजी करने लगे। इस पत्थरबाजी में मां दुर्गा की प्रतिमा खंडित हो गई, जिससे तनाव बढ़ गया। आरोप है विवाद के दौरान एक युवक को घर के अंदर ले जाकर गोली मारी गई, जिससे राम गोपाल मिश्रा नाम के व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और मामले की जांच जारी है, लेकिन इस बीच एक वीडियो शायद पूरे मामले को खोल सकता है। इस बीच घटना में मारे गए राम गोपाल मिश्रा का आखिरी वीडियो सामने आया, जो अहम सुराग हो सकता है। ये वीडियो उस दुकान का है जहां राम गोपाल मिश्रा की हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, इस वीडियो को अहम सुराग माना जा रहा है। वीडियो में राम गोपाल मिश्रा दुकान के ऊपर दिख रहा है, पीछे से लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी ने भी एक वीडियो शेयर किया है और गोपाल मिश्रा पर जबरन मुस्लिम घर में घुसकर भगवा झंडा फहराने का आरोप लगाया है। वीडियो में गोपाल पहले हरा झंडा गिराते और फिर भगवा झंडा लहराते नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, बहराइच में जिस गोपाल को गोली लगी है उसका मृत्यु पूर्व वीडियो देखिए। गोपाल एक मुस्लिम घर में जबरन घुसा, वहां से हरा झंडा उतारा, फेंका और जबरन भगवा झंडा लहराया। अब इस मासूम गोपाल के मन में ये करने का जहर किसने भरा, कौन इस साजिश में शामिल है, ये समझना मुश्किल नहीं है। इस सब में बीजेपी और बीजेपी के सत्ता लोभी नेता शामिल हैं, जो अगले चुनाव तक यूपी के माहौल को दंगा फसाद में झोंक कर चुनाव जीतना चाहते हैं। अंततः एक मासूम से दंगाई बने गोपाल ने भाजपा सियासत के चक्कर में अपनी जान गंवा दी, ये आरोप समाजवादी पार्टी का है। बहराइच का मामला पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेलियोर, पुलिस फेलियोर, बीजेपी साजिश और बीजेपी सत्ता लोभी कुकृत्य का परिणाम है, जिसमें आम मासूम नौजवान शिकार बन रहे, माहौल खराब हो रहा है और जाने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट करके बीजेपी पर आरोप लगाया है। इस मामले को हिंदू मुस्लिम चश्मे से देखने के बजाय भाजपाई सत्ता लोभी साजिश के एंगल से देखेंगे, तभी सत्य दिखेगा, ये आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी ने। घटना पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि हिंसा भड़काने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। सीएम योगी ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रतिमा विसर्जन बिना किसी रुकावट के पूरा हो, धार्मिक संगठनों से संवाद स्थापित कर इसे समय पर संपन्न कराया जाए। मुख्यमंत्री ने जनता को सुरक्षा का भरोसा देते हुए प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को घटनास्थल पर लगातार मौजूद रहने का निर्देश दिया है। साथ ही जिनकी लापरवाही से यह घटना हुई है उनकी भी पहचान करके उन पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक बहराइच जिले के हरदी क्षेत्र के महाराजगंज बाजार में रविवार को देवी दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन जुलूस के दौरान गोलीबारी और पथराव हुआ। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में लोगों ने जिला अस्पताल के बाहर युवक का शव रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस सूत्रों का कहना है घटना में कम से कम 7 अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। उन्होंने कहा, जब महसी तहसील के हरदी थाना क्षेत्र के महाराजगंज कस्बे से रेहुआ मंसूर गांव तक मूर्ति विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा था, तभी उस जगह पर दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने डीजे बजाने को लेकर आपत्ति जताई, जिसके बाद विवाद बढ़ा, पथराव और गोलीबारी शुरू हो गई। सूत्र कहते हैं गोली लगने से रेहुआ मंसूर गांव के निवासी 22 साल के राम गोपाल मिश्रा घायल हो गए। पुलिस ने बताया उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसने बताया कि गोली लगने से एक अन्य युवक तथा पथराव में 6 लोगों के घायल होने की खबर है। युवक की मौत की खबर जिले में फैलते ही तनाव का माहौल पैदा हो गया है। जी, महसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस
एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था। वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेके तकरार हुए, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया। और फिर उसका फ़ायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की, तो पुलिस द्वारा बहुत तेज़ी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए। और जहाँ पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं, और अब सभी जगह सकुशल विसर्जन जो है पुनः आरंभ हो गया है और कई स्थानों पे जल्दी समाप्त भी होने वाला है। सभी विसर्जन प्रोसेशंस के साथ में पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है, और जहाँ जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस हुआ है वहाँ पे हमारे जो भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है, सभी जगह पे पुलिस द्वारा विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है, और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है, और विसर्जन समाप्त होने के तत्काल बाद उनकी गिरफ्तारी भी आरंभ हो जाएगी। जो महाराजगंज में घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, उसमें 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, और जो मुख्य आरोपी है जो कि भाग गया है उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो गई है, उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया गया है। गलती से गोली लगी या जानबूझकर मारी गई, अब ये सवाल है। दरअसल प्रदर्शनकारियों के साथ मौजूद रामलीला कमेटी अध्यक्ष श्याम करण टेकड़ीवाल ने राम गोपाल मिश्रा को जानबूझकर गोली मारने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मूर्ति विसर्जन हो रहा था, महसी तहसील के महाराजगंज में जुलूस पर पथराव किया गया, हिंदू संगठन से जुड़े एक कार्यकर्ता पर गोली चलाई गई, एक नहीं कई गोलियां लगी हैं, नाखून भी नोचे गए हैं, ऐसा लगता है उसे जानबूझकर मारा गया है। उन्होंने कहा अगर अचानक गोली लगी होती तो एक ही गोली लगती, ना कि 10 गोलियां। घटना में कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। बीजेपी नेता टेकरीवाल ने कहा है दुर्गा पूजा महासमिति के अंतर्गत सभी मूर्तियों का विसर्जन हो रहा था, लेकिन जो घटना हुई है उसके विरोध में महासमिति द्वारा विसर्जन रोक दिया गया है। उन्होंने कहा है दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इन मांगों को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि प्रशासन महसी से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह से बात कर उनको संतुष्ट करे, तभी मूर्ति विसर्जन होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।